नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नई दुनिया पुरानी बातें पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक कथा के अनुसार लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों के साथ हुई थी। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न आदि उत्पन्न हुए थे जिसे सुरों और असुरों ने आपस में बांट लिया था। सबसे पहले हलाहल विष निकला, फिर कामधेनु गाय, उच्च स्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम ग्रंथ, रंभा नामक अप्सरा, इसके बाद महालक्ष्मी निकली। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी के रूप में सोना निकला था जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी भृगु ऋषि की पुत्री हैं। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। वाहन, एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी विष्णुप्रिया देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी है। निवास स्थान क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर वास करती हैं। पार्वती देवी, सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी, ये त्रिदेवियां हैं और धन संपदा शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। पुराणानुसार लक्ष्मी जी के 8 अवतार हैं। महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, गृह लक्ष्मी जो गृह में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं, सुरभि रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती हैं, और राजलक्ष्मी सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। लक्ष्मी का चरित्र, लक्ष्मी जी प्रसन्नता की, उल्लास की, विनोद की देवी हैं। वह जहाँ रहेगी वहाँ हंसने हंसाने का वातावरण बना रहेगा। लक्ष्मी अत्यंत कठोर और चंचल है। लक्ष्मी अर्थात धन को कितना भी बांध कर रखो फिर भी ये अपना रास्ता निकाल कर वहाँ से निकल ही जाती है। यह जल से उत्पन्न होकर भी तृष्णा को बढ़ाती है। लक्ष्मी व्यक्ति के स्वभाव में नीचता लाती है। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होता है वह उतना ही कठोर और नीच स्वभाव का होता है। इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्मी अगर किसी के पास से जाना ही ना चाहे तो यह निश्चित है कि उस व्यक्ति में अहंकार अवश्य ही आएगा। लक्ष्मी कितने लोगों को अपने मधुर प्रलोभन का शिकार बनाती है। कुछ लोग लक्ष्मी अर्थात धन के लोभ में इतना लीन हो जाते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति के तरह अपने निकट संबंधी को भी नहीं पहचान पाते। लक्ष्मी जुआ खेलने को विनोद आनंद बताती है। इसके अनुसार परदारागमन, दूसरे स्त्री के पास जाना चातुर्य है, व्यय विचार नहीं। इस तरह लक्ष्मी अपने इंद्रजाल के सम्मोहन में मुग्ध करने वाली है।